वेलकम भाई। बेटा आप सभी का स्वागत है SPS विद्यालय स्टडी में। आज मैं क्लास 7th पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 1st साइंस पढ़ाएंगे, चैप्टर 1st न्यूट्रिशंस इन प्लांट। ठीक, जहाँ तक लास्ट टाइम में मैंने करवाया था एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, है ना, तो एक्सरसाइज में जहाँ तक मैंने करवाया था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे और एक एक पार्ट को समझते भी चलेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जितना भी हो पाए, है ना, उतना मैं करने का प्रयास करूँगा। ठीक, और कुछ होमवर्क भी देना है आज आप लोगों को। चलिए, एक क्वेश्चन पे एक मिनट का समय रहेगा। ट्रू फॉल्स हम करवा रहे थे, पार्ट सी को करवा रहे थे। ठीक, तो पार्ट सी में हम लोग देखे थे क्या हुआ था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया था, पहले पार्ट सी को लिख देते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, हमें यही करना था, हमें ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हो गया था, अच्छा नहीं हुआ था तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर पहला वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया था तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताऊँगा। ठीक है, चलो पहले वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे अगर नहीं आ पाए हैं तो एक बार देख लें, पहले वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स प्लांट टेक्स या टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो पहला स्टेटमेंट मैंने दे दिया, एक मिनट का समय है, जल्दी से आप बता दो ये सही है कि गलत है। और देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग पार्ट सी में आप मुझे कमेंट करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बताएंगे पार्ट सी में अपने मन से कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ था, फिर मेरे आंसर से आप मैच करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से बताना, आप अपना नाम लिखेंगे और पार्ट सी को भेज देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं, एक मिनट का समय है, आपका समय स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे
या क्वेश्चन बताइए सही है या गलत है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से होता है बाबू, ये तो हो गया फॉल्स, ठीक है, ये बिल्कुल हो गया फॉल्स, इसमें कोई ट्रू होने की संभावना भी नहीं है, है ना, यहाँ पे ट्रू होने की संभावना भी नहीं है। वाई सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा देखो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट और ह्यूमन, या फिर मैन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन जो लिविंग थिंग होते हैं, दोनों लिविंग थिंग हैं, ठीक। तो एक तरफ मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखो, एक तरफ मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन, एक तरफ मैं लिखूंगा ऑक्सीजन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन। ओके, नाउ हम फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, कुछ चीज़ों को आपको बताने का ट्राई कर रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, ये होता है रिलीज, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिलीज, ठीक है, ये कॉलम है मेरा रिलीज का, ये कॉलम है रिलीज का, और ये कॉलम है मेरा टेक का, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखिए प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, प्लांट क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, टेक करते हैं। लेकिन ह्यूमन मैन क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए साथ में मेरे, ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाक से, फिर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी नोट कर लो, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ओके, इसको इरेज कर दें, चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल इंपार्ट्स ए ब्राउन कलर टू लीफ। इसको बताओ जरा, एक मिनट का समय जल्दी करो।
चलिए हो गया होगा, हो गया होगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इम्पार्ट ब्राउन कलर टू लीफ, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं फॉल्स है। क्लोरोफिल पहली बात ग्रीन कलर का होता है ना। क्लोरोफिल का जो कलर होता है इसी की वजह से पत्तियाँ क्या होती हैं, इसी की वजह से जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन होती हैं। क्या होती हैं? इसी की वजह से हमारी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। तो ये ब्राउन कलर कहाँ से दे देगा भाई, ये ब्राउन कलर कहाँ से दे देगा? और ये हमारा हो गया गलत, है ना। तो ये हो गया फॉल्स। मैच करते चलो मेरे साथ में अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। गॉड सेल कंट्रोल द ओपनिंग control the opening and closing of stomata चलो एक मिनट का समय है, जल्दी बताओ। control the opening and closing of estomata जल्दी कर लो। चलिए देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। इसको देख लेते हैं पहले। गॉड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल ये भी बात हम बता भी चुके हैं, जो गॉड सेल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो चलिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, आप लोग मैच करते रहिए, अपने मन से भी करिए, जो नहीं आ रहा है यहाँ पे मैच करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही है हमारा। चलिए अगले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, चलो फोर नंबर क्या बोल रहा है। संदेव इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंसेक्टिवायरस प्लांट, बताओ बेटा ट्रू है या फॉल्स, बताओ ट्रू है या फॉल्स। एक मिनट का टाइम है, जल्दी करो, बताओ जल्दी ट्रू है या फॉल्स।
चलो देखते हैं। मैं ये सारी बातें आपको बता भी चुका था, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी सही है। सर दे एन एग्जांपल्स ऑफ एन इंसेक्ट वायरस प्लांट, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर फाइव पेट्रोफाइज ओपन देयर न्यूट्रेशन न्यूट्रेशंस फ्रॉम डेड एंड डिके। ऑर्गेनिक मैटर, बताओ ये सही है या गलत, बताओ। बताओ ये सही है या गलत। बताइए, एक मिनट का टाइम है, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हो गया होगा। चलिए यहाँ पे तो इसको देख लेते हैं। बिल्कुल ये 101% ट्रू है। देखो डेड एंड डिकेइंग, जो डिकम्पोजिंग होते हैं, होने लगता है जो है चीज़ जो डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है? यानी कि ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई बात नहीं है। आप पढ़े भी होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, ये बिल्कुल ट्रू है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया, अभी आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस का। सी पार्ट में बताइए कितने लोगों का अपने मन से कितना सही था और कितने लोगों का कितना गलत था, ठीक है? चलिए ये मैच कर लीजिएगा, फिर अगले पार्ट डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट पे देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ें। चलिए इरेज कर रहे हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चंस
क्वेश्चंस इन शॉर्ट हमें शॉर्ट में क्या करना है आंसर देना है, तो मैं एक मिनट का समय आप लोगों को दूंगा कि आप एक से डेढ़ मिनट का समय दूंगा कि आप लोग इसका आंसर लिखिए और मेरे आंसर से मैच करिए। पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? तो पहले डी पार्ट में पहले चीज़ों का हमें क्या करना है, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, हमें डिफाइन करना है मतलब डिफिनेशन बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग, पहला पार्ट यहाँ पे ए पार्ट क्या है ना, ऑटो ट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो जल्दी बताओ ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक डेढ़ मिनट का समय है, आप जल्दी से पहले लिखिए फिर हम लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ मैच करेंगे। जल्दी करो जल्दी करो, चलिए देखते हैं। चलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन The mode of nutrition in which living organism organisms prepare their own food is called ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, मैच कर लीजिएगा, एक बार नोट करिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वह न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन का वह मोड इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीवित लोग रहते हैं है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करते हैं देयर ऑन फूड, अपने फूड को, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को जहाँ बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोफेरिक न्यूट्रिशन। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बी पार्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यह क्या है, फोटोसिंथेसिस बताओ जरा क्या है ये, जल्दी एक मिनट का समय है, जल्दी करो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक मिनट का समय है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज दिस, हमें नहीं आता, जल्दी बताओ। चलिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर्ड their food is called photosynthesis. यही लिखे होंगे, ठीक है। जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट करो। चलो, तो आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ घर के लिए, आप उस वर्क को करके आएंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सी पार्ट को आप घर से करके आएंगे, है ना। अगर कल अगले टाइम से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सी पार्ट को आपको घर से करके आना है। आज के डेट में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।